हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिट ऐप टीचिंग परीक्षा। और आज हमारी जो सीडीपी कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन की सीरीज़ है उसकी पांचवी क्लास है। और मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ये बताना चाहूँगी कि इसमें हम सारा का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपने कभी नहीं किया होगा या आपने सुना नहीं होगा उसके बारे में। हम हर टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, माने आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, सो दैट आपको सीडीपी का एक एक कॉन्सेप्ट बिफोर योर एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ओके। आगे चलने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा थॉट जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना बनता है, और वो है कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल सही, जी हाँ। दुनिया में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी उद्देश्य है, कोई भी गोल है और आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। के यानी कि निरंतर अगर आप लगातार किसी चीज़ को करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये आजकल मेरे पे बहुत लागू हो रही है। बिकॉज अभी मेरी लाइक प्रेगनेंसी के बाद ऑब्वियसली बेबी इज़ देयर, तो इट्स लाइक 1.5 मंथ होने वाला है। तो अब आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, तो ये एक पर्सनल सी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई एम वर्किंग ऑन कि जो वेट आपने गेन किया है उसको कैसे लूज़ किया जाए, है ना। तो मेरे दिमाग में आज ही ये थॉट आया कि एक्चुअली में ये करने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है निरंतर निरंतर कोशिश करना और रोज़ छोटे छोटे एफर्ट्स लेना, राइट। ऐसे नहीं होगा कि आप खाना छोड़ के बैठ जाएं तो आपको लगे कि अच्छा मैं पतली हो जाऊंगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रही मेरी बात। इसी तरीके से आपकी लाइफ में पक्का कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपने लगातार निरंतर कोई एफर्ट्स डाले हुए होंगे और वो पूरा उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, वो आपको मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगती हैं ऐसी चीज़ें। मुझे शायद आपकी कोई भी एक चीज़ मोटिवेट कर जाए कि हाँ ये बिल्कुल सही है। हालांकि मैं जानती हूँ ये बिल्कुल सही है बिकॉज मैंने बहुत सारी यही चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लागू किया है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मानते हैं कि कंसिस्टेंसी, लगातार जो आप एफर्ट्स करते हैं, वही एक की है आपको सक्सेस दिलाने में किसी भी चीज में। तो ये तो था आज का ज्ञान, ठीक है। अब ज्ञान बांट लिया है तो अब चलते हैं कक्षा की तरफ। ओके जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 31 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं सीरीज के, 32वां जो प्रश्न है आज उसे करते हैं। ये क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। क्या पूछ रहा है आपसे? ऑटिज्म जो है उसकी, जिसे आप हिंदी भाषा में सवलीनता बोलते हैं, उसके लक्षण के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उसमें से क्या विशेषता, उसके लक्षण जो है वो क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है पुअर सोशलाइजेशन, मतलब इन बच्चों की जो एक जो हम क्या कह सकते हैं, जो समाज में एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, हम डील करते हैं, वो अच्छा नहीं होता, वो बहुत कमज़ोर होता है, पुअर होता है। दूसरा है रूढ़बुद्ध व्यवहार, दैट इज स्टीरियोटिपिक बिहेवियर। पढ़ेंगे, बताऊंगी क्या होता है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। फिर है पुअर कम्युनिकेशन, मतलब इन लोगों की जो बातचीत है एक दूसरे के साथ, जो मतलब अपना विचार जो आप प्रकट करते हैं, है ना, और दूसरा आपकी बात को समझता है, ये इसको कम्युनिकेशन हम कहते हैं। तो वो जो है वो भी कमज़ोर होती है। डी कहता है ऑल ऑफ द अपर, कि भाई ये सारे के सारे हैं। तो एक चीज़, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, कोई ट्रिक नहीं काम कर सकती इस क्वेश्चन के लिए। आपको कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा, आपको ऑटिज्म यानी सवलीनता के बारे में पता ही होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। लेकिन ऑटिज्म के बारे में तीन चीज़ें जो अगर आप याद रख लें, आपका हर क्वेश्चन ऑटिज्म का करेक्ट होगा, मैं दावे से आपको बोलती हूँ, वो मैं आपको अभी करा दी हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, पहले आंसर डिस्कस करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये सॉरी, गलती से लिखा गया है, इट हैज़ टू बी ऑल ऑफ द अबव। चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। देखिए, जो ऑटिस्टिक वाले बच्चे होते हैं या ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, ऑटिज़म होता है जिनको, उनकी सोशलाइजेशन वाकई में कमज़ोर होती है। क्योंकि देखिए क्या है कि वो अपने में रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उनका जो एक दूसरे से, मतलब अगर उन्हें अपनी कोई विचार दूसरे के सामने रखना है तो उनको नहीं आता वो रखना,
क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं, वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते बात करते हुए. सपोज जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो जब मैं आपसे बात करूंगी, फेस टू फेस बात करूंगी और आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगी. लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता. ऑटिज्म का पता यूजली 2-3 साल में पता चल जाता है. जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चा होगा, अगर बच्चा को आप बात कर रहे होंगे उसके सामने, अगर 2 साल का बच्चा है, तो अगर कहीं से आवाज़ आ रही है, किसी चीज़ का साउंड आ रहा है, चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, तो वो उधर ध्यान देगा. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको वो रिएक्शन नहीं देगा. नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बच्चे से बात करें तो वो आगे से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता. तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं. तो हम कहते हैं कि हाँ जी, सोशलाइजेशन पुअर है, कम्युनिकेशन पुअर है, और एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर उनका रहता है. इसको और डिटेल में आगे करते हैं, समझ आ जाएगा आपको. ठीक है, देखिए, ऑटिज़म को हम ऑटिज़म ASD भी कहते हैं. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, और ये बेसिकली आपका जो नर्वस सिस्टम है, यानी आपका ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और आपकी जो सारी की सारी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है, वो अफेक्ट होती है. अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि ऑटिज़म से ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, चाहे वो संज्ञानात्मक आपकी हेल्थ है, चाहे वो फिज़िकल है, संज्ञानात्मक इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, फिज़िकल है, शारीरिक तौर पे है, संवेग तौर पे है, मतलब कि इमोशंस हैं, और सोशल है, सामाजिक है, ये सारी की सारी हेल्थ अफेक्ट होगी. तो इसी से देखिए, इतना बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी कि ऑटिज़म में सारी की सारी ये जो डोमेन है, इसमें हेल्थ अफेक्ट होती है. इसका मतलब ये है, देखिए, सोशलाइजेशन क्या है, आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन आपकी कब चाहिए आपको, उसके लिए क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, ठीक है. स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर आपका, अगेन, आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो भी पुअर होता है. तो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं. तो इस क्वेश्चन में देखो, हर चीज़ मेंशनड है. सोशलाइजेशन, समाजीकरण पुअर है, कमज़ोर है, जी हाँ. बातचीत करना, कम्युनिकेट करना पुअर है, जी हाँ. स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है, जी हाँ. ठीक है, अभी मैं आपको स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी बताती हूँ डिटेल में कि क्या होता है. ओके, तो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि हर जो डोमेन है हेल्थ का, उसमें असर पड़ता है, ठीक है. सो आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा, ये आपने रट्टा मार लेना इस चीज़ को, ऑटिज़म में हर डोमेन हेल्थ का अफेक्ट होता है. क्या ट्रीटमेंट से ऑटिज़म ख़त्म हो सकता है? ट्रीटमेंट से मदद ज़रूर मिल सकती है, लेकिन ये कंडीशन कभी ठीक नहीं होती, ठीक है. यस, ट्रीटमेंट हेल्प्स कि उसमें जो बच्चा है उसको आप मदद मिल जाती है, ठीक है. लेकिन अगर हम ये सोचें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो नहीं होता, ठीक है. ऑटिज़म या ASD, जिसे आप ऑटिज़म स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, वाई हम शब्द स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं. सारे बच्चे ऑटिज़म के ऐसे नहीं होगा कि एक जैसे उनकी कंडीशन होगी, नहीं हो सकता. कुछ बच्चे ऐसे होंगे ऑटिज़म वाले जिनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होगी, कुछ ऐसे होंगे जो दिनचर्या की, अपनी जो डेली जो ज़िंदगी के, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने होते हैं, ब्रश करना, खाना, ये खुद कर सकते हैं. लेकिन कुछ बच्चे हेल्प, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. कुछ को आप ट्रेन कर सकते हो. इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, रेंज है एक बेसिकली कंडीशन की, एक ही तरीके के नहीं है. इसलिए हम इसे स्पेक्ट्रम जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग रंग हैं इसके अंदर, ठीक है. सो इसका यहाँ पे बेसिकली क्या है, सोशल स्किल्स पुअर होती हैं. अभी देखो इसका मतलब क्या है, आपका जो सामाजिक हेल्थ है वो पुअर है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण जो है वो पुअर है, तो सोशल स्किल्स पुअर है. रेपिटेटिव बिहेवियर, जिसको आप स्टीरियोटिपिकल में बिहेवियर बोल रहे हैं, कोई भी एक चीज़ को पकड़ लेना और उसी को करते रहना बार बार, वो साउंड भी हो सकता है. सपोज किसी एक साउंड को, या सब लेट्स से चुटकी बजाना, किसी ने चुटकी बजाई उनके आसपास, उन्होंने देखा चुटकी बजा रहे, वो यही करते रहेंगे, ऐसे 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 ही करते रहेंगे. यहाँ किसी ने लेट्स से ये किया, सो वो इसी आवाज़ को, इसी साउंड को बार बार, इसको स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कहते हैं, एक ही तरीके से उस व्यवहार को बार बार करते रहना, ठीक है. स्पीच उनकी उतनी अच्छी नहीं होती, जो जेस्चर्स हैं, जैसे हमारे, है ना, अभी जैसे मैं बात भी कर रही हूँ तो हाथ हिला के बात कर रही हूँ, वैसे ऐसा कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेरे पढ़ाते हुए कि इमोशन है चेहरे पे, है ना, अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छा इमोशन है, कुछ दुख होगा तो दुख वाला इमोशन है, तो वो सारे के सारे ऐसे इमोशन जो है वो ऑटिज्म में बच्चे के नहीं होते हैं, पुअर होते हैं, ठीक है.
दूसरी चीज़, आपको सिम्टम्स पता होना चाहिए ऑटिज्म में. मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो सिम्टम तो अब आपको पता ही चल गए कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, बातचीत करना, अपनी अपने आइडिया को दूसरे के सामने कैसे रखना है, क्या कैसे दूसरे के इमोशन को समझना है नहीं आता, बहुत डिफ़िकल्टी है, सोशल इंट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत कम होती है. सपोज आप उनकी तरफ देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो वो देखेंगे नहीं आपकी तरफ, वो फ्लोर की तरफ देखी जाएंगे या छत की तरफ देखना शुरू कर देंगे. ऐसे ऑब्सेसिव इंटरेस्ट, का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज को उसके पीछे पड़ जाना, ऑब्सेशन है ना, किसी ऑब्सेशन होती है ना, हम कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जांपल देती हूँ कि यू नो ये बंदा जो है ये इस इंसान से ऑब्सेस्ड है, इसका मतलब है 24 घंटे उसके बारे में सोचता रहता है, ठीक है. या हम कहते हैं कि आपको ना ऑब्सेशन है सफाई से, जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे है, ठीक है. सो मतलब आप बहुत सारी चीज़ें साफ रखना चाहते हो, हमेशा आपको सफाई मतलब एकदम चाहिए, टिचम टिच, आप अपने आप को बहुत साफ रखते हो. ऐसे ऐसे ही इन बच्चों के साथ है कि जो भी चीज़ मतलब वो उनको दिखेगी या जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है फिर वही करते हैं वो, ठीक है. ओके जी, एंड देन वी हैव रेपिटेटिव बिहेवियर, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. एक ही व्यवहार को, चाहे वो साउंड हो, चाहे कुछ बोलना हो, हाँ हाँ ऐसे बोलना, हाँ हाँ, अब लगातार एक ही चीज़ को बोलते रहना, नॉर्मली हम नहीं करते ये, लेकिन ऑटिज्म में ये है, ठीक है. अब देखो आपको रट्टा बज गया होगा इस चीज का, अब आप कभी नहीं भूल सकते कि ऑटिज्म में कोई भी सिम्टम लिखा हो कि ये लक्षण होते हैं. आपको बस इतना याद रखना है कि सामाजिक हेल्थ, आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी संज्ञानात्मक हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, ये सब पुअर होती है, ठीक है. पीपल विद ASD often demonstrate तीन चीज़ें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्ट्रिक्टिव, रेपिटेटिव एंड stereotyped इंटरेस्ट और पैटर्न ऑफ बिहेवियर. रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है उनका जो बिहेवियर होता है, ये नहीं कि हमारा बिहेवियर देखिए बोर हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है. बहुत कम चीज़ें हैं जिनको वो करेंगे और उनको लगातार करते रहते हैं, रिपीट पे रिपीट करते रहते हैं. स्टीरियोटाइप्ड है, एक ही तरीके से मतलब चेंज नहीं लेके आएंगे, ठीक है, उस व्यवहार को करते रहेंगे. अनदर इज, हमने कहा ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत रेंज है. हर बच्चा ऑटिज्म का ज़रूरी नहीं है कि उसको आप ट्रेन कर सकते हैं. हो सकता है कोई बच्चे बहुत ज़्यादा यू नो सिवियर हैं ऑटिज्म के साथ और उनको आप ट्रेन नहीं कर सकते, तो रेंज है इसके अंदर, ठीक है. ईच पर्सन विद ऑटिज्म, हर जो बच्चा है ऑटिज्म का, उसके अपने कुछ स्ट्रेंथ है और अपने कुछ चैलेंजेस हैं. आपको बस वो स्ट्रेंथ है चैलेंजेस पहचानने हैं तो आप उनके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है. देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि किस तरीके से ऑटिज्म के बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो सीखते हैं या सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है. कई बच्चे हाईली स्किल्ड हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो, कई बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए स्पेक्ट्रम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. ओके चलिए जी, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके साइन यूजुअली 2 से 3 साल में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं. चलिए अगला प्रश्न. सो बेसिकली ये ऑटिज्म के बारे में है, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना वो यही है, तो आपको बस इतने से चीज़ को याद रखना है ऑटिज्म के बारे में. और एक और चीज़ बता दूँ, ऑटिज्म का नोन कॉज अभी तक नहीं पता है. ये हम नहीं कह सकते कि हेरिडिटी की वजह से ऑटिज्म है, हम ये नहीं कह सकते इस जीन्स की वजह से ऑटिज्म आया है. कुछ लोग मानते हैं कि जेनेटिक होता है, ठीक है, कि एक सिंड्रोम होता है फ्रेजाइल एक्स, आपको याद नहीं करना, आपको इसमें पढ़ना भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, किसी एग्जाम में मैंने देखा है नहीं पूछा जाता, चाहे वो रीट है, चाहे वो सीटेट है, यूपीटेट है, मैंने कभी इस पर क्वेश्चन नहीं देखा. पर मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी समझ के लिए कि ऐसे मानते हैं कि अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से बच्चे को ऑटिज्म होता है, बट एग्जैक्ट रीजन नोन नहीं है कि क्यों ऑटिज्म होता है, ठीक है. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33. ओके जी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन सो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज, माने कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं जो व्यक्तिगत क्षमता है इंसान के, लेकिन किस में, मात्रा में, मात्रात्मक वहाँ बात हो रही है, उसको क्या कहा जाता है. बहुत आसान प्रश्न है और अब तक आई एम श्योर आपको आंसर पता चल गया होगा. जब भी हम क्वांटिटी यानी मात्रा की बात करते हैं, एक इंसान की जो यू नो क्वालिटी या क्वांटिटी, दो चीज़ होती है ना, एक होती है क्वालिटी आपकी, आपकी जो विशेषताएं हैं, और एक होती है आपकी मात्रात्मक, आपकी क्वांटिटी. यहाँ बात हो रही है क्वांटिटी की. सो जो आपकी क्षमता है, लेकिन जिस उस क्षमता में हम क्वांटिटी देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुत आसान, ग्रोथ, ठीक है जी. अब बाकी चीज़ें क्या है,
देखिए एक चीज़ जो आपको इसमें पता होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, ठीक है, विकास की बात हम कर रहे हैं, विकास जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो विकास का पार्ट है, वृद्धि जो है विकास का पार्ट है, वृद्धि क्वांटिटेटिव है, विकास क्योंकि ग्रोथ विकास का पार्ट है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि विकास क्वालिटेटिव भी होता है और विकास क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है, ओके। सो ये तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब है विकास की हम जब बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, यानी कि हम हर जो डोमेन है डेवलपमेंट का उसकी हम बात करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, तो वो विकास है। ग्रोथ आपको समझ में आ गया, जब हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी लेट्स से मैं बात करूँ फिजिकल ग्रोथ की, फिजिकली आप कैसे दिखते हैं, आपका सर, आपका ब्रेन का साइज, आपके हाथ पैर, ये फिजिकल, सिर्फ जो आपको फिजिकली हम बात करते हैं तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। अब है इक्विलिब्रियम और मैच्योरेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम को सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, बैलेंस की एक स्टेट है। हम सब के सब लोग हमेशा एक बैलेंस में रहना चाहते हैं, ठीक है। आजकल कोरोना की वजह से इक्विलिब्रियम हिला गया है, मतलब देयर इज नो बैलेंस, है ना, स्टेबिलिटी नहीं है, सिचुएशन स्टेबल नहीं है, कईयों की जॉब जा रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, और मतलब कि वो स्टेट ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस पहले मेंटेन्ड था वो सारा का सारा हिल गया है। अगर मैं अपनी लाइफ की भी बात करूँ तो हाँ, हमारी लाइफ पे भी उस चीज़ का बहुत असर पड़ा है, आपकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हिल गई है, ठीक है। सो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब भी जो बैलेंस है, जो स्टेबिलिटी है वो हिल जाए, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम होता है। हमारे इंसान की जो ऐसा है कि इंसान हमेशा ये कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे। हम में से किसी को डिसइक्विलिब्रियम पसंद नहीं है, मतलब कि हम में से किसी को भी अनस्टेबल होना पसंद नहीं है, हम सब चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, ठीक है। इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी की बात हम करें तो जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो, हम कहते हैं स्टेबल है, जितनी डिमांड है उधर से उतनी सप्लाई आती जा रही है, इसका मतलब है हम बैलेंस्ड हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना, डिमांड बढ़ गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर, कितनी डिमांड बढ़ गई थी जब ये कोरोना आया था, अब तो चलो मिलने शुरू हो गए, लेकिन जब ये अभी स्टार्ट ही हुआ था, मार्च अप्रैल की बात है, मुझे याद है कि हम खरीदने गए सैनिटाइजर, तो मार्केट में सैनिटाइजर नहीं था अवेलेबल, ठीक है, और जो था वो इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस पे था। तो क्या हुआ, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई में शॉर्टेज आ गई, और उसकी वजह से इम्बैलेंस होगी सारी चीज़ें। तो ये इक्विलिब्रियम है, सरल भाषा में इक्विलिब्रियम तो हम इसे कहते हैं। लेकिन अगर आपको जाना है इक्विलिब्रियम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगैन उसको हम बैलेंस ही कहते हैं, तो यहाँ पर जीन प्याजे जी की हम बात करेंगे, क्योंकि जीन प्याजे जी ये कहते हैं जी कि जी जो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, जिस भी तरीके से हम ग्रो करते हैं, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक है अडेप्टेशन, मतलब हमारी एडजस्टमेंट इस दुनिया के साथ, ठीक है, और ठीक है, वो दो तरीके, वो कहते हैं ये मतलब जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसमें हम बैलेंस कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एडजस्ट कर पाते हैं अपनी दुनिया के साथ। और एडजस्टमेंट कैसे कर पाते हैं, अडेप्ट कैसे कर पाते हैं, वो कहते हैं असिमिलेशन के साथ। नंबर वन, असिमिलेशन का मतलब है यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ओके, मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में हर चीज़ का एक स्कीमा है, कोई चीज़ कैसे दिखती है उसका स्कीमा है। फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है, तो फ़ोन का मेरे दिमाग में एक स्कीमा है, ठीक है। अब इस जो मेरे पास दिमाग में स्कीमा ऑलरेडी है, उसका इस्तेमाल करके जब भी मैं किसी नई सिचुएशन के साथ डील करूँगी, तो उसे मैं असिमुलेशन कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में एक स्कीमा ऑफ हॉर्स है, ठीक है, कि हॉर्स ऐसा होता है। अब मुझे लेट्स से कोई जानवर दिखा बाहर, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे पता है कि चलो ये हॉर्स दिखता है, अगर मुझे कोई और जानवर दिखा तो मैं उसी जो नॉलेज मेरे दिमाग में ऑलरेडी है उसी के आधार पे उस दूसरी चीज़ को भी समझने की कोशिश करूँगी। तो जो ऑलरेडी स्कीमा है, जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं नई चीज़ के साथ डील करने में, उसे हम असिमिलेशन कहते हैं। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब है कि जो मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज है उससे भाई काम नहीं चल पा रहा, वो ऑलरेडी नॉलेज जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसमें मदद नहीं कर पा रही, तो इस नॉलेज को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब वो काम नहीं कर रहे, अब मेरे दिमाग में स्कीमा हॉर्स का था, लेकिन देखी मैंने गाय, तो भाई ये फिट नहीं बैठ रहा, तो
क्या करना पड़ेगा, स्कीमा को बदलना पड़ेगा, हॉट्स वाले स्कीमा को चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं इसके साथ डील कर सकूं जो नई चीज़ आई है, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। फिर है इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बैलेंस। जब भी देखिए एक बच्चा किसी भी चीज़ के साथ, या हम लोग भी किसी भी चीज़ के साथ, लेट्स से नई इन्फॉर्मेशन के साथ डील करते हैं, तो मैंने आपको कहा ऑलरेडी जो दिमाग में है उससे डील करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी, असिमिलेशन। ठीक है, अगर ये सिमुलेशन नहीं हो पा रहा तो क्या होता है, उथल पुथल शुरू हो जाती है। हमें लगता है हॉर्स तो मेरे दिमाग में ये है, लेकिन ये तो चिट्टा दिख रहा है। हॉर्स मेरे दिमाग में ब्राउन कलर का था, हॉर्स देर मेरे दिमाग में वो था जिसके यहाँ पे बाल थे और वो ऊंचा दिखता था, लेकिन ये नीचा दिख रहा है और ये ब्लैक कलर का कुछ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बैलेंस जो है वो खराब हो गया। ठीक है, तो जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी आ रही है जो मेरी ऑलरेडी स्कीमा के साथ फिट नहीं बैठती, तो बैलेंस हिल जाता है। अब क्या करूँगी मैं, उसमें बैलेंस लेके आने की कोशिश करूँगी, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हम चीज़ों को याद रखते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी बैलेंस हिलेगा हम उसे बैक टू बैलेंस लेके आने की कोशिश करेंगे। आप सबके साथ भी ऐसा ही है। आजकल हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारा बैलेंस हिला हुआ है, तो हमारी कोशिश क्या है, उस बैलेंस को दोबारा लेके आने की। ठीक है, अदरवाइज हम फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। ठीक है जी, सो आपको बस इतना ही याद रखना है। अगला प्रश्न करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। शायद थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो इतना आइडिया नहीं लग पाता है ना, सो थोड़ा सा बेयर कीजिए। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन। डैश इज़ दी एबिलिटी टू, ये इनएबिलिटी लिखा है, एबिलिटी होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है। डैश इज़ दी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ओन परस्पेक्टिव एंड अदर्स परस्पेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड। जब हम अपने नज़रिए और दूसरे नज़रिए की इनएबिलिटी ओनली, सही लिखा है। इनएबिलिटी मतलब कि हमारे अंदर जब ये क्षमता नहीं होती कि हम फ़र्क कर सकें हमारे नज़रिए के में और दूसरे के नज़रिए में, ऐसे होता है ना जब हम अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर इतनी क्षमता होती ही नहीं है कि हम ये समझ सकें कि मेरा नज़रिया अलग हो सकता है, दूसरे का नज़रिया अलग हो सकता है चीज़ों को देखने का। अब बखूबी समझ में आ गया है, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ, कि ज़रूरी नहीं है कि जो जिस नज़रिए से मैं चीज़ों को देखूँ या ज़िंदगी को देखूँ, मेरा पार्टनर या मेरे घर के सदस्य भी उस चीज़ को, या मेरे फ्रेंड्स भी उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म आत्म केंद्रस्थ। हाँ, अब देखिए, अब आपको मैं इन सब के मतलब समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता है ईगो सेंट्रिज्म। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो प्याजे की सेकंड स्टेज है, जहाँ पे प्याजे कहते हैं कि बेसिकली 2 साल के आसपास आपकी ये जो स्टेज है ये शुरू हो जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कुछ चीज़ें जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं, जिसमें उसने सबसे पहले कहा ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जब हम अपने अंदर ही सारी चीज़ों में, अपने अंदर ही इतने केंद्रित हैं कि हम सिर्फ अपने आप को देख पाते हैं, हम दूसरे के नज़रिए से सिचुएशन को नहीं देख पाते, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को नहीं देख पाते, तो उसको हम ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। प्याजे कहता है कि बच्चा जो है वो हमेशा जो मतलब अपने आप को, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है, वो जो फील करता है उसे लगता है दूसरा भी यही फील कर रहा है, जो वो सुनता है उसे लगता है ये भी यही सुन रहा है, तो ये बच्चे की इस स्टेज में होता है। ठीक है, सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम जो सिचुएशन है उसका एक ही पहलू देखते हैं, उसका दूसरा पहलू हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, जब हम सिचुएशन के एक ही तरीके से, एक ही एस्पेक्ट से सिचुएशन को देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना, ये कहावत है ना कि आप ग्लास आधा खाली देखते हैं या आधा भरा हुआ देखते हैं। कुछ लोग ग्लास को हमेशा आधा खाली ही देखते हैं, उसको कभी भी आधा भरा हुआ देख ही नहीं पाते। तो ये मतलब क्या है, सेंट्रेशन, सेंटर करना, मतलब अपना फोकस एक ही जो एस्पेक्ट पे लगा के रखना। फिर है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है?
बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसकी बात भी प्याजे जी करके गए हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा होता है कि बच्चा एनिमिस्टिक होता है, कहने का मतलब ये है बच्चे के अंदर ये बिलीफ होता है कि जो भी इनएनिमेट चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ें जो लिविंग नहीं हैं, उसको लगता है इनके अंदर भी जान है, इनके भी थॉट्स हैं, इनकी भी फीलिंग्स हैं, ये भी सोचते हैं, है ना। सो बेसिकली वो अपने टॉयज़ के साथ भी बात करेगा, अपने टेडी बेयर के साथ भी बात करेगा, उसे लगेगा इस टेडी बेयर की भी ह्यूमन फीलिंग है, इस टॉय की भी ह्यूमन फीलिंग है, इसकी भी अपनी इंटेंशन है, ठीक है। सो प्याजे ये कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बेसिकली बच्चा है उसको ये लगता है कि जो मेरी चीजें हैं जो अलाइव नहीं हैं उनके अंदर भी लाइफ है, ठीक है जी। प्याजे ने कहा चार स्टेजेस ऑफ एनिमिज्म है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है। वो कहते हैं 4 से 5 साल तक बच्चा ये बिलीव करता है हर चीज अलाइव है, मतलब अगर ये फोन है तो इसके अंदर भी जान है, इसके भी थॉट्स हैं, अगर टेडी बेयर है तो उसके अंदर भी जान है, उसके भी थॉट्स हैं, उसका एक उद्देश्य है, पर्पस है। फिर वो कहते हैं इंसान 5 से 7 साल की उम्र में जाता है, उसको लगता है कि नहीं जो चीज़ें मूव कर रही हैं, अब कुछ भी मूव करा, चेयर को भी तो मूव कर ही सकते हैं ना हम, तो उसके अंदर लाइफ है, ठीक है, उसका अपने एक पर्पस है, उद्देश्य है। फिर इसी तरीके से उनको लगने लग जाता है जो चीज़ें अपने आप एकदम से यू नो मूव करती हैं, उसके अंदर जान है, वो जिंदा है, उनके अंदर लाइफ है। फिर ऐसे 9 से 12 साल तक जाते जाते इंसान बच्चा ये समझ लेता है कि भाई सिर्फ एनिमल्स और प्लांट, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स तो है ही, वही उनके अंदर लाइफ है, बाकी मेरी जो डॉल है, गुड्डा गुड्डी है, उनके अंदर लाइफ नहीं है, ठीक है जी। ओके चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द चाइल्ड अर्न ऑब्जेक्ट्स विच दे कैन एक्सचेंज फॉर डेरिबल आइटम, डिजायरेबल आइटम्स, सर्विसेज और प्रिविलेजेस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तकनीक होती है जिसके जरिए जो बच्चा होता है उसको आप बेसिकली एक चीज़ देते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को वो एक्सचेंज कर सकता है किसी भी चीज़ के बदले। फॉर एग्जांपल उसको कुछ चाहिए, टॉय चाहिए, उसके बदले भी वो एक्सचेंज करेगा, ठीक है, टॉफ़ी उसको मिल सकती है उसके बदले, कुछ भी जो उसको पसंद है, उसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा सोचिए। कुछ सेकंड्स देती हूँ आपको और फिर मुझे इसका आंसर दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है जी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको आता होगा आई एम श्योर, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है टोकन इकोनॉमी, फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं टोकन इकोनॉमी क्या है, फिर शेपिंग भी बताऊंगी, गठन करना क्या होता है, विलोपन क्या होता है, एक्सटिंक्शन क्या होता है, और कोवर्ट सेंसिटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले टोकन इकोनॉमी। देखिए टोकन इकोनॉमी का मतलब, टोकन इकोनॉमी बेसिकली एक रिवॉर्ड सिस्टम है जिसको साइकोलॉजिस्ट ने इसलिए बनाया है जिससे आप किसी भी व्यवहार में मॉडिफिकेशन यानी बदलाव ला सकते हैं। टोकन इकोनॉमी एक रिवॉर्ड सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए टोकन रिवॉर्ड इकोनॉमी में ये होता है कि जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को अच्छा व्यवहार करना सिखाना है, ठीक है, सो मैंने उसको हर अच्छे व्यवहार के लिए रिवॉर्ड कैसे करेंगे, एक टोकन के साथ। मैंने एक टोकन बना लिया, गोल सा, लाल रंग का, काले रंग का, किसी भी रंग का, जब भी बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया मैंने उसको वो टोकन दे दिया, ठीक है, और उस टोकन को मैंने कहा कि आप कलेक्ट करेंगे टोकन, जब ये 5 टोकन हो जाएंगे तो आप कोई भी अपनी मनपसंद की जो चीज़ है वो इसके बदले ले सकते हैं। मतलब ये 5 टोकन अब मैं आपसे वापस ले लूँगी और उसके बदले मैं आपको कोई एक अच्छी चीज़, जो भी आपको फेवरेट चीज़ है वो आपको दे दूँगी। टोकन कुछ भी हो सकता है, स्टीकर है, स्टार है, कुछ भी हो सकता है। टोकन उस चीज़ के लिए एक्सचेंज करेंगे जो बच्चा का डिज़ायरेबल चीज़ है, लेकिन जो व्यवहार हम सिखाना चाहते हैं उसी के बदले उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बहुत अग्रेसिव है, बहुत लड़ाका है, तो हम चाहते हैं इसका अग्रेशन कम हो जाए, लड़ाका कम हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जब जब वो फाइट ना करे, उसे गुस्सा आ रहा है लेकिन वो गुस्सा शो ना करे या फाइट ना करे या अच्छे तरीके से व्यवहार करे, तो हम उसे एक टोकन दे देंगे। जब उसके पास कुछ एक टोकन आ जाएंगे, वो 5 हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, आपने जो भी लिमिट रखी हो, तो हम उसे कहेंगे अब आप इसे एक्सचेंज कर लीजिए जो भी चीज़ उसे पसंद है। हो सकता है उसे टॉय कार पसंद है, तो 5 टोकन हो गए तो आप उसे टॉय कार ले दीजिए, ठीक है। तो एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह है, ठीक है, ओके जी। सो गोल क्या है, आपने जो भी अच्छा व्यवहार है उसको बढ़ाना है, और जो बुरा व्यवहार है, अनडिजायरेबल बिहेवियर जो आप नहीं चाहते आपका बच्चा शो करे, उसे आपने कम करना है, ठीक है जी। ये था टोकन इकोनॉमी। अब तक गठन कैसे करते हैं, शेपिंग। शेपिंग बहुत आसान है। शेपिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप उस व्यवहार को रिवॉर्ड करते हैं या उसको रीइंफोर्स करते हैं जो टारगेट व्यवहार के आसपास होता है। सपोज करिए, मतलब इसको अंग्रेजी भाषा में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाते हैं, वो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्टीमेट गोल ये है कि मैं चाहती हूँ कि बच्चा जो है वो अपना कमरा साफ रखे,
बिल्कुल साफ रखे अपना कमरा, लेकिन बच्चा गंद बहुत डालता है। तो मुझे मुझे क्या करना है, मैं शेपिंग करूँगी उसकी, और वो मैं कैसे करूँगी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के साथ। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब है जब कोई भी व्यवहार उस सफाई के आसपास का होगा तो मैं उसको रिवॉर्ड करूँगी। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बहुत गंद डालता है, उसका कमरा गंदा है, लेकिन मैंने देखा कि उसने आज अपने बर्तन उठा के किचन में रखे, खाना खा के बर्तन उठा के किचन में रखे, तो मैंने उसको रिवॉर्ड दिया, क्योंकि ये व्यवहार उस व्यवहार के पास का है जो मैं चाहती हूँ अल्टीमेटली हो। अल्टीमेटली मैं क्या चाहती हूँ कि बच्चा अपना पूरा कमरा साफ करे, ये मेरा अल्टीमेट व्यवहार है, अल्टीमेट टारगेट है यहाँ तक बच्चे को लेके आना। लेकिन सपोज उसने सबसे पहले क्या किया, अपने बर्तन, जूठे बर्तन जो है किचन में रखने शुरू किए, मैंने रिवॉर्ड किया। उसने स्कूल से आके अपने कपड़े जो है तय लगा के अच्छे से रखे, मैंने उसे रिवॉर्ड किया। ठीक है, लेकिन उसे एक ही बार एक व्यवहार को रिवॉर्ड किया जाएगा, बार बार नहीं करेंगे आप। ठीक है, सो हर वो व्यवहार जो अल्टीमेटली मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा करे उसके आसपास होगा तो ही आप उसे रिवॉर्ड करेंगे, उसे शेपिंग कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सबसे पहले बी एफ स्किनर ने किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चे को चलना सिखाते हैं तो मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, मेरे बच्चे को चलना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं कैसे सिखाऊंगी, शेपिंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जब बच्चा खड़ा हुआ, ठीक है, सपोर्ट लेके खड़ा हुआ किसी चीज़ की, तो मैंने उसको रिवॉर्ड किया, हम प्यार से बात की या जो भी है ना, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया, वॉट एवर है ना। तो उसके बाद जब बच्चे ने सपोर्ट के साथ ही पहला स्टेप लिया, फिर उसको अब ये क्या है, शेपिंग हो रही है। ठीक है, स्टेप देख रहे हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप उस अल्टीमेट टारगेट पे मैंने अपने बच्चे को पहुंचाना है, वो है कि वो चलना सीख ले। फिर उसने बिना सपोर्ट के खड़ा होना सीखा तो मैंने उसको रीइंफोर्स किया। फिर उसने एक ही कदम, चाहे वो एक कदम उठा के बिना सपोर्ट के गिर जाए, लेकिन उसने कोशिश की, तो मैंने उसको भी रिवॉर्ड किया। जब तक वो चलने नहीं लग जाएगा, उस सारे व्यवहार को मैं ऐसे ही रीइंफोर्स करूंगी, तो बच्चा अल्टीमेटली सीख जाएगा कि वॉक कैसे करना है। ठीक है जी, इसी तरीके से जो कुत्ता होता है उसको ट्रिक्स नहीं सिखाते, ट्रेनर आता है डॉग को ट्रेन करने, वो भी तो ऐसे ही करते हैं। जैसे उन्हें बच्चे कुत्ते को सिखाना कि बॉल फेंकी और उसको सिखाना बॉल पकड़ के लाओ, तो उसको धीरे धीरे सिखाते हैं, पहले बॉल को उछालते हैं, ठीक है, तो डॉग ऐसे ऐसे देखेगा, तो फिर उसको डॉग को बोला ऐसे करके प्यार से बोलते हैं, फिर धीरे से थोड़ी पास बॉल रखेंगे, बॉल को सूंघेगा, फिर उसको रिवॉर्ड करेंगे, ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप उस व्यवहार तक आप बच्चे को लेके जाएंगे, या डॉग को या एनिमल को, किसी को भी जो आप सिखाना चाहते हैं। कोविड सेंसिटाइजेशन भी व्यवहार को मॉडिफाई करने का, अगर आप व्यवहार में कुछ चेंज या बदलाव लेके आना चाहते हैं, उसी का एक तरीका है। कैसे होता है ये देखिए, बहुत आसान है। कोविड सेंसिटाइजेशन होती है एक तरीके की बिहेवियर थेरेपी है, जिसका इस्तेमाल हम साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, कोई एक ऐसा व्यवहार है जो मेरे को ख़त्म करना है, ठीक है, सपोज किसी के अंदर है, किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है, ज़रूरी नहीं बच्चे के अंदर ही हो, बड़े के अंदर भी हो सकता है। सपोज बच्चे के अंदर कोई एक ऐसा व्यवहार है जो मैं चाहती हूँ ख़त्म हो जाए, अनडिज़ायरेबल है, तो मैंने क्या किया, उस व्यवहार को इमेजिनेशन में, एक्चुअल में नहीं, इसलिए कोवर्ट है, COVERT, अगर ये सी ना होता और ये ओवर्ट होता तो हम एक्चुअल में वो करते, यहाँ हम एक्चुअल में कुछ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें इमेजिनेशन में होंगी। तो क्या करेंगे, अनडिज़ायरेबल व्यवहार जो हम व्यवहार चाहते हैं ख़त्म हो जाए, उसको पेयर करेंगे, किसके साथ पेयर करेंगे, एक ऐसी इमेज के साथ जो अच्छी नहीं है। ठीक है, सो ऐसा व्यवहार जो मैं चाहती हूँ ख़त्म हो जाए, उसे पेयर करेंगे अनप्लेजेंट इमेज के साथ जिसे मैं चाहती हूँ ख़त्म हो जाए। कैसे, अब देखो, ये मानती है ये बिहेवियर थेरेपी कि देखिए दुनिया में हर व्यवहार हमने सीखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो गलत चीज़ें सीखी हैं वो भी हमने सीखी ही हैं, लेकिन उन गलत चीज़ों को भी अनलर्न कर सकते हैं सही तरीके से। जैसे कि इस थेरेपी का इस्तेमाल होता है अगर किसी को अल्कोहल अब्यूज़ है, ड्रग अगर बहुत सारे लोग ले रहे हैं, स्मोकिंग बहुत लोग करते हैं, कई लोग गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा जुआ बहुत खेलते हैं, जुआड़ी होते हैं ना, एडिक्शन होती है, ओवर ईटिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर आप उस व्यवहार को, लेट्स से अल्कोहल, शराब पीता है इंसान, ठीक है, बहुत शराब पीता है, अनडिज़ायरेबल व्यवहार है ना शराब पीना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, गाली गलौज करना, अब मैं चाहती हूँ ये बदल जाए। जब इंसान बहुत ज़्यादा शराब पिए, उस शराब को, शराब के साथ मैंने एक अनप्लेजेंट इमेज जोड़ देनी है, एक ऐसी इमेज जो अच्छी नहीं है, ठीक है, और मैंने बार बार उसकी इमेजिनेशन करानी है
ठीक है, तब तक जब तक इंसान खुद गंदा ना फील करना स्टार्ट कर दे। इसमें देखिए शराब के केस में हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसान से हम इमेजिन कराते हैं कि आपने बहुत शराब पी रखी है, आप एक बहुत सुंदर से बार में हैं, आप शराब पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सडनली आप जैसे जैसे ज़्यादा शराब पीते हैं आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी गंदी सी फीलिंग आ रही है। अब आप वॉमिट कर चुके हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है, अब बहुत लंबा सेशन होता है, अब आप वॉमिट कर चुके हैं, अब देखिए आपके सारे आसपास कपड़ों पे यू नो वॉमिट ही वॉमिट गिरी हुई है, स्मेल कर रही है, ये वो दिस दैट, ऐसे हम बोलते हैं। तो क्या होता है, इमेजिन हम उससे ये कराते हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा शराब पी के, ठीक है। सो बार बार जब हम इमेजिन कराते हैं तो धीरे धीरे इंसान का वो जो व्यवहार है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो कोवर्ट में यही है, हम इंसान को सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि जो अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब जो गलत या बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो आपको पसंद नहीं आएंगे, उनको आप इमेजिन करें, ठीक है, उसे वो इमेजिनेशन हम करवाते हैं ताकि वो जो व्यवहार है वो ख़त्म हो जाए। आसान था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ये, आप खुद भी अपने ऊपर भी लगा के ये कर सकते हैं। ऐसे होता है हमारे साथ इमेजिनेशन में बहुत सी चीज़ें हम कर जाते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ख़त्म, विलोपन एकदम। साइकोलॉजी में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी एक व्यवहार को जिसको आपने सिखा दिया है, जैसे कि पैवलव ने कुत्ते को सिखा दिया था कि भाई बेल बजेगी तो खाना आएगा, लेकिन बेल बजते ही फिर वो यू नो उसका थूक निकलना, जिसको आप स्लाइवा कहते हैं, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं उस व्यवहार को, है ना, जा भी सकता है, उसको हम एक्सटिंक्शन या विलोपन कहते हैं। जब भी किसी व्यवहार को आप एकदम ख़त्म करवाएं, ठीक है, जो आपने उसको पहले सिखाया था अब आप उसे ख़त्म कराएं, ठीक है, उसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसको आप दो, मैंने इसकी जो डेफिनेशन वो लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई भी व्यवहार जिसको आपने पहले कंडीशन कर दिया है अब उसको आपने ख़त्म करवाना है, कम कराना है, डिसअपियर करवाना है, डिक्रीज कराना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने कुत्ते को सिखाया भाई हैंडशेक करना है, ठीक है, ओवर द टाइम आपने उसको ये सिखा दिया, जब भी वो हैंडशेक करता था आप उसे एक कुत्ते का जो बिस्किट है वो डाल देते थे या उसको मीट दे देते थे। सो समझ में आ गया, अच्छा हैंडशेक करना है, मीट मिलेगा। अब जैसे ही आप हाथ खड़ा करोगे वो पहले जल्दी से ऐसे कर देगा, अब आप हाथ ना भी खड़ा करो उसमें पहले ही हैंड अपना मतलब पंजा सामने कर देगा, मतलब वो सीख गया, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही हैंडशेक करूंगा मीट मिलेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपने उसको रिवॉर्ड करना कर दिया बंद, और इवेंचुअली आपने डॉग को शेक करना बंद कर दिया, उसके साथ हाथ भी नहीं दिखाया, उसे मीट भी नहीं दिया, तो डॉग जो है वो आगे से जो पंजा निकाल के आपको हेलो करता था वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। यही पैवलव ने तो किया था कि जब वो बेल बजते ही उसको फूड मिल जाता था, तो जैसे ही बेल बजने अब कुछ रिस्पॉन्सेज के बाद क्या हुआ, जैसे ही बेल बजी तो वो थूक निकालना स्टार्ट कर देता है, लेकिन धीरे धीरे पैवलव ने खाना देना बंद कर दिया। तो डॉग ने क्या किया, जैसे ही बेल बजती थी फिर डॉग कोई रिएक्शन नहीं देता था, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि कोई फूड नहीं आता, ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, अब खाना देना इसने कर दिया बंद। इसको कहते हैं विलोपन एक्सटिंक्शन, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है पैवलोव तो वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे एक्सटिंक्शन कहते हैं, माने बेल बजते ही खाना मिलेगा, इसकी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई इंसान के अंदर, एक उम्मीद पैदा हो गई कि हाँ बेल बजी अब खाना आएगा। धीरे धीरे आपने उस उम्मीद को कम कर दिया तो उसको समझ में आ गई कि बेल बजती है कुछ नहीं आता, इसलिए अब उसने रिस्पॉन्स देना ही डॉग ने बंद कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इंसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, किन्होंने दी है इंसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये पढ़ा है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया है, क्या वो थॉर्नडाइक ने दिया है, क्या वो गार्डनर ने दिया है, क्या वो कॉलर ने दिया है, या क्या वो हेलन टॉलमैन ने दिया है। तो आंसर है जी 3, कॉलर ने दिया है। थॉर्नडाइक ने तो इसकी बात, उन्होंने लर्निंग सिद्धांत दिए हैं उसके, लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की है, सॉरी लॉ ऑफ लर्निंग की बात की है, जहाँ पे 3 प्रकार के लॉस की वो बात करते हैं, रेडिनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। इन्हीं के आसपास क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, हम करेंगे भी इससे रिलेटेड, बट फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि इनसाइटफुल थ्योरी जो है वो कॉलर ने दी है, थॉर्नडाइक के जी ने नहीं दी है। और जो गार्डनर है उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है इंसाइटफुल थ्योरी तो वो दे ही नहीं सकते। हल्की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है या रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, और टोलमैन की जो है वो साइन लर्निंग है। सो इसका मतलब है कि कोलर ही हैं जिन्होंने इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। अब ये सब जो मैंने आपको और बताई है ना थ्योरीज, कि हल्की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है या रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इसको तो रट्टा मार लीजिए आप, बस आपको ये आएगी ही आएगी, कोई ना कोई अलग अलग
ऐसे जब क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपको सबका पता हो, एक आइडिया रहे कि रफली एक आइडिया रहे कि इंटेलिजेंस की बात करके गए गार्डनर, तो उन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग की बात नहीं की है, थॉर्नडाइके ने लर्निंग की बात की है पर उन्होंने लॉस दिए हैं, तो आपको इलिमिनेशन में मदद करता है, मतलब आपको मदद करता है कि अच्छा क्वेश्चन में को मैंने ऑप्शंस को इलिमिनेट कैसे करना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हु हैज़ गिवन मोर स्ट्रेस ऑन फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? कौन बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की? कुछ सेकेंड्स लीजिए और इसका आंसर दीजिए, आई एम श्योर आपको इसका आंसर बखूबी पता है। चलिए ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाइगोत्स्की। ठीक है, प्याजे ने नहीं की है, ड्यूई ने नहीं की है, कोलबर्ग नहीं की है। इन सब के ऊपर भी मैं आपको और क्वेश्चंस ज़रूर कराऊंगी। आगे देखिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो को कंस्ट्रक्ट होता है। इसका मतलब क्या है? मिलजुल के कंस्ट्रक्ट होता है। को कंस्ट्रक्ट का मतलब है हम मिलजुल के बनाते हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं, इंडिविजुअल एक दूसरे से सीखता है, इंसान एक दूसरे से सीखता है, इसलिए इसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी कहते हैं। सोशल का मतलब है सोसाइटी में रहते, समाज में रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो जब आप समाज में रह के बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं उसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी कहते हैं। बिकॉज वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्नर है वो बहुत एक्टिव होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, कि ये जो लर्निंग प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, इसमें लर्नर जो है वो एक्टिवली इंगेज्ड होना चाहिए। सो लर्निंग कब होती है? जब आप दूसरे की साथ काम करते हैं, उसके साथ डील करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, को कंस्ट्रक्ट मतलब हम मिलजुल के सह निर्माण करते हैं। आपने मुझे कुछ सिखाया, मैंने आपको कुछ सिखाया, ठीक है, तो हम दूसरों की मदद से, असिस्टेंस से चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए हम इसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी कहते हैं। ओके जी, सो देखो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे, कितने हो गए अब हमारे क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अगली क्लास में और आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, आप देख लीजिए हम बहुत प्रश्न कर लेंगे, आपके सारे का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसको फॉलो कीजिए, ईमानदारी से फॉलो कीजिए। मैं बहुत ईमानदारी से एफर्ट लगा के आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कराती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए टू एडिट ऐप टीचिंग परीक्षा। कोई भी डाउट है, आपको मुझसे बात करनी है, कुछ पूछना है, आप ईमेल कर सकते हैं www.edutap.co.in पे, ठीक है, आई विल कॉल यू, हम बातें करेंगे, शेयर करेंगे। ओके जी, सो मिलते हैं अगली क्लास में।